अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सभी को रमज़ान मुबारक। आज मैं आपके लिए चिकन लच्छा पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत इजी और टेस्टी डिश है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इंग्रेडिएंट्स: 100 ग्राम बोनलेस चिकन, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लाइम जूस, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून होममेड बीटरूट पाउडर, 1 टीस्पून शाही तंदूरी मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ऑरिगेनो और 2 पोटैटो। अभी हमने चिकन ले लिया है एक बाउल में, उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, साथ में ही नींबू का रस, रेड फूड कलर जो होममेड फूड कलर हमने बनाया था, मेरे अपने चैनल में अपलोड किया गया है ये, साथ में ही हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हम चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे। ये चिकन का मैरिनेशन बनके हमारा तैयार है। अब हम जो पोटैटो के लच्छे जो हम बनाने वाले हैं, उसका हम तरीका आपको बता देते हैं। पहले हम जो पोटैटो को है अच्छी तरीके से पील कर लेंगे। और ये प्रोसेस हमें जल्दी करना है, क्योंकि जो आलू है वो काले पड़ने लग जाते हैं, इस वजह से इसको हमने झटपट करना है। और बस अब हमने आलू को छील लिया है, और मेरे पास ये पुराने स्टाइल का एक पीलर था जिसमें ये डिज़ाइन थी, तो उससे ही मैंने लच्छे बना के तैयार किए हैं। आप स्लाइसर से या आपके पास जो भी चीज़ हो उससे आप बना लीजिए, या आपके पास किसनी हो तो उससे भी आप लंबे लंबे रेशे में किस सकते हैं आलूओं को। आप इस तरीके से लच्छा बना के तैयार कर लीजिए। अब हम इसका मैरिनेशन बना के तैयार करेंगे, क्योंकि ऊपर से कोटिंग आलूओं की होंगी हमारे चिकन पे। तो अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों इक्वल क्वांटिटी में डालेंगे। ये सिर्फ ख़ास आपकी बाइंडिंग के लिए है। अगर आपको ऐसे लगे कि बाइंडिंग में आपको कॉर्नफ्लोर और मैदा कम पड़ रहा है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको परफेक्ट मेजरिंग नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको किस तरीके से बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा बेसन भी डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर है। मेरे पास तंदूरी मसाला रखा हुआ है, जो तो आप कोई भी कंपनी का तंदूरी मसाला यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो था अवेलेबल मैंने वो डाल दिया है इसमें, साथ में नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दें, क्योंकि तंदूरी मसाले में भी नमक होता है, तो उस हिसाब से आप नमक कम ही डालिए। लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे हम यहाँ पर, ऑरिगेनो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, नहीं तो ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। अब ये एकदम अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए तो अब हम अपने जो पकोड़े हैं लच्छा पकोड़े बनाने का स्टार्ट करते हैं। आप हथेली पर जो आलू का बैटर है हमारा उसे फैला लें, और जो हमने चिकन का क्यूब मैरिनेट करके रखा है उसके बीच में रखकर सिर्फ हमें आलूओं को उसके ऊपर लपेट देना है।
और अच्छी तरीके से फर्स्ट टाइम आप एक ही पकौड़ा फ्राई करें कि कहीं वो खुल ना जाए इसलिए, और अगर वो नहीं खुलता है तो फिर आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखें। पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं और एक कुछ न्यू तरीके का स्टाइल है ये, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपके घर में भी लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी डिश है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और रमज़ान में अपने दस्तरखान की शान बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।